एक कप पिसा हुआ प्याज, एक लार्ज साइज़ का प्याज ले लीजिए या पूरे एक कप, पीसने के बाद एक कप बन जाएगा। यहाँ पर हमने तकरीबन दो बड़े चम्मच ले लीजिए या 1/4 कप ऑयल लिया है, क्योंकि नॉन स्टिक है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। अच्छे से इसको भून लेंगे प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसे कॉन्टीन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो पिंकिश। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस धनिया पाउडर, 1 टीस ही रेड चिली पाउडर, और इसके अलावा सब चीज़ें 1/2 टीस ली है मैंने। 1/2 टीस है ये ड्राई मैंगो पाउडर, 1/2 टीस सफ़ेद नमक, 1/2 टीस काला नमक, 1/2 टीस है गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस है जीरा पाउडर, और 1 टीस है ये कसूरी मेथी जिसे मैंने क्रश कर लिया है, 1/2 टीस हल्दी, और ये देखिए 1/2 टीस से थोड़ा ज़्यादा अनारदाना जिसे मैंने मोटा मोटा कोट लिया है, और जिसमें जाएगा 1/2 टीस कुटी हुई लाल मिर्ची और 1/4 टीस हींग। तो ये सब चीज़ें इस मसाले में जाएंगी, लेकिन अभी पहले हम टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। जब ये भून जाएगी दोनों चीज़ें टमाटर और प्याज, फिर हम ये मसाले डाल के मज़ेदे से 1-2 मिनट तक भूनेंगे।